चलिए तो दोस्तों, अभी मैं आपको आज का जो चैप्टर है हमारा वो हॉट प्लेट कुकिंग रेंज के बारे में है, जो गैली में हमें फूड खाना बनाता है। चलिए तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका सर्किट डायग्राम कैसे रीड करना है, हॉट प्लेट का जो कुकिंग रेंज बोलते हैं उसको कैसे ट्रेबल शूट करना है। आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा उसका जानकारी दे देगा। तो दोस्तों, पहले आप हम लोग देखते हैं कि इसका सर्किट डायग्राम को कैसे रीड करना है, एक एक पॉइंट को कैसे ट्रेबल शूट करना है, ये पॉइंट आज हम देखेंगे। अगर आपको सर्किट डायग्राम है, इसमें जो पावर सर्किट है और कंट्रोल सर्किट भी है, चलिए तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये देखिए दोस्तों, इधर से स्टार्ट होता है ये सर्किट डायग्राम। ये जो आर एस टी होता है, ये हमारा 440 वोल्ट 60 हर्ट थ्री फेज पावर सप्लाई आ रहा है, जो कि मेन स्विच बोर्ड से आ रहा है। ये देखिए आर एस टी, और ये जो आर और एस से दो फेज निकाला है, ये देखिए ये दो फेज निकाला है। ये होता है हमारा कंट्रोल पावर सप्लाई, जो कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को दिया होता है। ये ट्रांसफार्मर होता है। ये देखिए दोस्तों, ये कंट्रोल सर्किट है, और ये जो है, ये देखिए आर एस और टी, ये जो है पावर सर्किट है। ये 440 वोल्ट 60 हर्ट्स थ्री फेज पावर सप्लाई है। अभी देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले पावर सर्किट इसका एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए इनकमिंग पावर सप्लाई आ रहा है, इसमें से दो फेज को कंट्रोल सप्लाई के लिए गया है। पहले मैं आपको पावर सर्किट एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये वन फेज है, ये सेकंड फेज है, और ये थर्ड फेज है। अभी देखिए ये जो दोस्तों, ये जो W1 है, ये W1 क्या है, ये देखिए ये W1 इधर लिखा होता है, इसका एक्सप्लेनेशन हर ड्राइंग के ऊपर। W1 टू W4 हीटर स्विचेस है। ये देखिए W1 टू W4 ये हॉट प्लेट के क्या है, स्विच है। इसको क्या करना पड़ता है, हमें रोटेटिंग स्विच है उसको ऑन करना पड़ता है, ठीक है। अभी देखिए ये थ्री फेज पावर सप्लाई आ रहा है। हमारे पास चार हॉट प्लेट है, जो कि चार हॉट प्लेट इसको नेम दिया है, G1 G2 G3 और G4 है हॉट प्लेट है। W1 इसका स्विच है, W1 W2 W4 ये इसका स्विच है। जैसे ही इसको हम स्विच को ऑन करते हैं, तो थ्री फेज पावर सप्लाई हमारा हॉट प्लेट को जाता है, जो कि हॉट प्लेट के अंदर जो कॉइल है वो हीटअप हो जाता है। ये हीटअप होने के बाद हमें टेम्परेचर मिलता है अराउंड 400 टू 450 डिग्री सेल्सियस, तो इसके ऊपर हमारा खाना बनता है। ये देखिए दोस्तों, ये अगर हमारा प्रॉब्लम आ जाता है, तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम है हमें चेक करना है कि पावर सप्लाई है या नहीं है मल्टीमीटर से। सेकंड जो है हमारा कंट्रोल सर्किट में फ्यूजेस चेक करना है। देखिए तीन फ्यूज है, B1 B2 B3, ये फ्यूजेस हमें चेक करना है। थर्ड जो है दोस्तों, ये देखिए अगर हमारा इधर पावर सप्लाई आ रहा है आर एस टी तक, तो आर एस टी से जो इधर स्विच है, हो सकता है ये स्विच भी डैमेज हो गया हो, इसका भी हमें क्या करना है, इसको स्विच को चेक करना है। अभी देखिए ये जो टैपिंग स्विच होता है, इसमें आप लो होता है, मीडियम होता है और हाई होता है। इसमें से हम टैपिंग सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कितना टेम्परेचर उसको होना चाहिए, ठीक है। इसका हिसाब से हम W1 ये स्विचेस को हम सेलेक्ट कर सकते हैं टैपिंग के, ठीक है। अगर ये स्विच इधर पावर सप्लाई आ रहा है और इसे नीचे पावर सप्लाई नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये स्विच ख़राब है, इसको हमें रिप्लेस करना है और रिपेयर करना पड़ता है। अभी देखिए दोस्तों, इधर भी पावर सप्लाई आ रहा है हमारा 5, 6 और 7 में, तो डायरेक्ट हॉट प्लेट से हम पावर सप्लाई इधर चेक कर सकते हैं। मैं आपको जिधर कनेक्शन होता है हमारा, उधर मैं आपको दिखाएगा ये थीन फेज में कैसे पावर सप्लाई चेक करना है, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों, अगर इधर भी हमारा पावर सप्लाई आ रहा है हॉट प्लेट को, तो ये हमारा हॉट प्लेट हो सकता है, हॉट प्लेट का कॉइल ओपन सर्किट हो गया हो, शॉर्ट सर्किट हो गया हो, और कॉइल हमारा क्या हो गया, डैमेज हो गया हो। तो इसको हमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, हमें इसको रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं हॉट प्लेट का। ये कैसे रेजिस्टेंस चेक करके हमें देखना है कि हॉट प्लेट सही है या ख़राब हो गया है, ये भी मैं आपको आज दिखाएगा, लाइव में दिखाएगा मल्टीमीटर से कैसा हॉट प्लेट को टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये देखिए बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है ड्राइंग रीड करने का और इसका ट्रबल शूटिंग का। ये सेम ही है, एक हॉट प्लेट है, दूसरा हॉट प्लेट का भी W2 स्विच है, G2 मतलब हॉट प्लेट का नेम है। ये चारों हॉट प्लेट का सेम ट्रबल शूट कर सकते हैं। अभी देखिए दोस्तों, ये जो पावर सप्लाई जा रहा है, एक के जो है, के है हमारा कॉन्टैक्टर,
ये देखिए कॉन्टैक्टर है, ये जो सर्किट डायग्राम है ओवन का है। आज हम आपको ओवन के बारे में सर्किट डायग्राम कैसे रीड करना है वो भी मैं दिखाएगा। ये देखिए ये कॉन्टैक्टर है दोस्तों, ये जो ओवन है ये कंट्रोल सर्किट होता है इसका। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो ये कॉन्टैक्टर का कॉइल होता है, इधर एक थर्मोस्टैट होता है, ये कॉन्टैक्टर का कॉइल होता है। ये थर्मोस्टैट टेम्परेचर आने के बाद ये कॉन्टैक्टर को अगर टेम्परेचर नहीं है तो इसको ऑन करता है, ये कॉइल को एक कॉन्टैक्टर ये कॉइल ऑन होता है तो ये कॉन्टैक्टर ये कॉइल का क्या होता है एनर्जाइज होता है, इसका कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाता है। अभी देखिए दोस्तों हमारा ओवन में पावर सप्लाई इधर जा रहा है, हम देख सकते हैं कि इसमें पावर सप्लाई चेक कर लो 440 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद देखिए दोस्तों जो W5 है ये भी हमारा क्या है स्विचेज ऑफ ओवन कॉइल है। ये देखिए W5 और W6 ये दोनों भी हमारे स्विचेस हैं, इस ये भी टैपिंग स्विचेस है। इसमें टैपिंग होता है मीडियम लो मीडियम और हाई, ये तीनों टैपिंग होता है, इसमें से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर देखिए हमारा इधर पावर सप्लाई आ रहा है तो इधर भी हम चेक कर सकते हैं पावर सप्लाई सही है नहीं है, और इसका कॉइल भी हम देख सकते हैं मल्टीमीटर से। अगर इधर पावर सप्लाई आ रहा है वो नहीं चल रहा है तो इसका कॉइल भी डैमेज हो सकता है। सेम ही दो कॉइल है दो ओवन के लिए। अभी देखिए दोस्तों मैं आपको इसका कंट्रोल सर्किट एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए दोस्तों जो कंट्रोल सर्किट है उसमें 440 इनपुट पावर आ रहा है, 440 हो 380 वोल्ट टू 220 वोल्ट 12 वोल्ट हमें आउटपुट मिल रहा है इसका। ये जो ट्रांसफार्मर है दोस्तों इसके अंदर है, मैं आज आपको दिखा नहीं पाएगा इसे इसका ट्रांसफार्मर। ये देखिए जो आउटपुट होता है दोस्तों, ये जो W1 L1 L2 L3 L4 है ये स्विचेस, ये लैम्प इंडिकेशन लैम्प है। ये L4 तक क्या है दोस्तों, ये स्विचेस है और ये क्या है L4 तक ये इंडिकेशन लैम्प है। अभी देखिए दोस्तों ये L5 और L6 है वो क्या है, ये ओवन का इंडिकेशन लैम्प है। W5 और W6 से ओवन का क्या है स्विचेस हैं। ये देखिए W5 और W6 ठीक है, ये कंट्रोल सर्किट है और ये मेन पावर सर्किट है। इसमें थर्मोस्टैट है और इसमें कॉइल है ओवन में। ये देखिए दोस्तों ये क्या होता है, अगर टेम्परेचर आपका डिजायर टेम्परेचर आ गया तो थर्मोस्टैट क्या करता है ये कॉन्टैक्ट को ओपन करता है, ये फिर ये कॉइल क्या हो जाएगा ये कॉन्टैक्टर का डी एनर्जाइज हो जाएगा, और डी एनर्जाइज होने के बाद ये कॉन्टैक्ट हमारा ओपन हो जाएगा। जब भी फिर से हमको टेम्परेचर चाहिए तो एक थर्मोस्टैट कॉन्टैक्ट क्लोज कर जाएगा, कॉइल एनर्जाइज हो जाएगा और एक कॉन्टैक्ट हमारा क्लोज हो जाएगा और हमें पावर सप्लाई मिल जाएगा। ऐसा ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों इसका पावर सर्किट डायग्राम, पावर और कंट्रोल सर्किट रीड करने का। चलिए तो दोस्तों अभी मैं पूरा आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि कैसे इसको टेस्ट करते हैं पैनल को, कैसे एक एक करके हमें ट्रबल शूट करेंगे। चलिए दोस्तों अभी जाते हैं हम पैनल की तरफ। चलिए तो दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी सर्किट डायग्राम कैसे ट्रबल शूट करना है वो एक्सप्लेन किया है। अभी देखिए दोस्तों हम अभी गैली में आ गए हैं, ये गैली का मैंने ऊपर का कवर रिमूव किया है। अभी हमारा ये जो हॉट प्लेट है ये हॉट प्लेट नंबर 1 हॉट प्लेट हीटिंग नहीं कर रहा है। तो दोस्तों देखिए उसको कैसे ट्रबल शूट करने का मैं ऑलरेडी आपको ड्राइंग में एक्सप्लेन किया है, अभी ड्राइंग के हिसाब से हम चलेंगे ठीक है। ये देखिए ये हॉट प्लेट है और ये हॉट प्लेट का बाकी स्विचेस हैं ठीक है। अभी देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ मेन जो हमारा फर्स्ट ट्रबल शूटिंग का जो पॉइंट होता है वो होता है हमारा पावर सप्लाई। चलिए तो दोस्तों हम देखते हैं अभी इसके पैनल का। ये देखिए दोस्तों इसका ये पैनल है, इसका जो हॉट प्लेट को सप्लाई जाता है ये 440 वोल्ट सप्लाई जाता है। तो हम चेक करते हैं दोस्तों कि हमारा पावर सप्लाई सही है या नहीं है। ये देखिए ये इसका स्विच है, ये इसका स्विच है, ये देखिए ये हमारा पावर सप्लाई इनकमिंग पावर सप्लाई है। ऑलरेडी मैंने मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज पे सेलेक्ट किया है एसी वोल्टेज रेंज पे। चलिए तो हम देखते हैं अभी इसको पावर सप्लाई है या नहीं है। ये देखिए दोस्तों ये दोनों फेज में मुझे 450 वोल्ट पावर सप्लाई मिल रहा है, और नेक्स्ट फेज में देखिए ये देखिए इधर भी मुझे 450 पावर सप्लाई मिल रहा है, और इसमें देखिए इसमें भी मुझे 60 हर्ट्ज़ पावर सप्लाई मिल रहा है। देखिए दोस्तों फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो सही है, इसमें पावर सप्लाई है।
अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है ये देखिए, ये स्विच है, ये स्विच है, इसका मैं स्विच ऑफ कर दिया है। अभी देखिए इसका जो इसके अंदर फ्यूज रहता है, ये देखिए ये बॉटल फ्यूज बोलते हैं इसको। अभी हमारा पावर सप्लाई इधर आ रहा है तीनों फेज में से, ये देखिए। तो अभी हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट होता है वो होता है फ्यूज चेक करना। ये देखिए ये जो फ्यूज है, ये देखिए ये फ्यूज है, ये बॉटल टाइप फ्यूज बोलते हैं इसको। इसको अभी हम चेक करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों इसको कैसे टेस्ट करेंगे, मेरा मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे सेलेक्ट कर लो। ओके, कंटिन्यूटी मोड पे सेलेक्ट कर दिया है। अभी देखिए ये जो फ्यूज़ है इसका हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी लेना है। ये देखिए कंटिन्यूटी लेता हूँ मैं, अभी फ्यूज़ को इधर रख देता हूँ। फ्यूज़ को इधर रख दिया है नीचे, अभी इसका मैं कंटिन्यूटी लेता हूँ, ठीक है। दोनों साइड में कंटिन्यूटी आना चाहिए। ये देखिए दोस्तों मेरा कंटिन्यूटी आ रहा है, इसका मतलब जो मेरा फ्यूज़ है वो सही है। ये देखिए कंटिन्यूटी आ रहा है, मेरा फ्यूज़ सही है। ऐसा करके हम तीनों फ्यूज़ को चेक करना है। तीनों फ्यूज़ मैंने चेक किया है ऑलरेडी, तीनों फ्यूज़ मेरा सही है। अभी जो नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, हमें इसका जो आउटपुट है, इधर पावर सप्लाई, इधर से पावर सप्लाई जाता है, इसमें भी हमें चेक करना है। ये देख सकते हैं आप UVW, आप चेक कर सकते हैं UVW में पावर है क्या। मैं जब फ्यूज़ डालेगा, ये तीनों फ्यूज़ डालेगा और स्विच ऑन करेगा, तो इधर भी मेरा पावर सप्लाई आ रहा है। ये तीनों फेज में आप पावर चेक किया है ऑलरेडी, मैंने चेक किया है। तो चलिए तो दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है ट्रबल शूटिंग का वो देखते हैं हम गैली हॉट प्लेट की तरफ। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कि मैंने ड्राइंग में आपको एक्सप्लेन किया है, अभी हमें देखना है कंट्रोल सर्किट। कंट्रोल सर्किट के बाद देखेंगे हम हॉट प्लेट का एलिमेंट, ठीक है। हॉट प्लेट का जो हॉट प्लेट है वो ख़राब है या सही है, चलिए तो दोस्तों हम देखते हैं अभी हॉट प्लेट। चलो तो अभी इसका हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड स्टेप जो है मेगर टेस्ट करेंगे। मेगर टेस्ट के लिए आपको मेक श्योर करना है कि आपने पावर स्विच ऑफ किया है और फ्यूज़ इसका निकाल दिया है। अभी फ्यूज़ निकालने के बाद जो पावर सप्लाई जा रहा है हॉट प्लेट को, इसको हमें पावर सप्लाई चेक करना है। ये देखिए आप पावर सप्लाई चेक कर सकते हैं टेस्टर से, कोई पावर नहीं है। अभी आप मेक श्योर हो गए कि इसमें कोई पावर नहीं है आउटगोइंग में, तो अभी इसका जो है, ये मेरे पास मेगर है, मेगर टेस्टर है। इसका जो दो टर्मिनल होता है दोस्तों, इसका मैं ऑलरेडी आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया है मेगर टेस्टर का। ये देखिए ये जो है एक ग्राउंड टर्मिनल होता है, और ये जो होता है ये लाइन होता है। ये देखिए जो ग्राउंड टर्मिनल होता है ये मैं इसके बॉडी को लगा देगा, जो कि इधर ग्राउंड में है। देखिए बॉडी को कनेक्ट कर दिया ग्राउंड में, और ये जो लाइन टर्मिनल है, लाइन ये क्या करेगा, मैं एक एक फेस के लगा के देखेगा, तो मुझे कितना इंसुलेशन आता है वो हम देखेंगे। अभी देखिए दोस्तों ये मैं अभी मीटर को क्या करता हूँ, ऑन करता हूँ, इसका पावर ऑन कर दिया है। ये देखिए लाइट चल रहा है, इसमें जो स्विच होता है वो डैमेज हो गया है, इसलिए मैं ऑलरेडी इसको सेट किया है। इसको प्रेस करके आप नीचे के साइड में घुमा सकते हैं, तो आपको रेड लाइट चलता हुआ दिखेगा। चलिए तो दोस्तों अभी देखते हैं, मेगर टेस्ट करते हैं। ये देखिए पहले मैं मेगर को टेस्ट करता हूँ, ग्राउंड में ही लगाया है मैंने, इसका मतलब इसमें जीरो इंसुलेशन है, क्योंकि एक ही कंडक्टर है। अभी देखिए जीरो इंसुलेशन दिखा रहा है मुझे, इसका मतलब मेरा मेगर सही है, मेगर टेस्टर सही है। अभी चलो दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको, यू में डाल के दिखाता हूँ यू में कितना मुझे मेगर मिलता है। ये देखिए दोस्तों 1 मेगा ओम, ये स्टैंडर्ड मेगा ओम रहता है, यू में मुझे स्टैंडर्ड वैल्यू मिल रहा है 1 मेगा ओम, अच्छा वैल्यू है 1 मेगा ओम भी। अभी देखिए नेक्स्ट में देखते हैं, अगर नेक्स्ट में देख रहा हो तो वो भी अच्छा वैल्यू मिल रहा है। अभी ग्राउंड पे लगा के टेस्ट करता है, अभी मैं W में देखता हूँ। ये देखिए W है, W में देखता हूँ, W फेज में भी मुझे अच्छा मेगर मिल रहा है, इसका मतलब मेरा मेगर सही है, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। चलिए तो दोस्तों अभी हम हॉट प्लेट को निकालते हैं, हॉट प्लेट को चेक करते हैं। अभी दोस्तों मैं हॉट प्लेट को रिमूव करता हूँ, और इसका हम बाद में रेजिस्टेंस चेक करेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको रिमूव करता हूँ। चलिए दोस्तों मैंने अभी हॉट प्लेट हमारा ओपन किया है, इसका जो चार साइड में स्क्रू रहता है वो ओपन करके बाहर निकालना है।
ये मैंने ऑलरेडी ओपन किया है। अभी देखिए दोस्तों, इसमें जो सप्लाई आता है 440 वोल्ट 60 हर्ट सप्लाई आता है। जैसे ही मैंने इसको बाहर निकाला है तो पहले हम टेस्टर से पावर चेक करते हैं। मैं ऑलरेडी स्विच ऑफ किया है, बट मेक श्योर करने के लिए आपको आप चेक कर सकते हैं कि इसमें पावर नहीं है। देखिए ये फेज में नहीं है, ये फेज में भी नहीं है और ये फेज में भी नहीं है। अगर पावर रहेगा तो ये मेरे टेस्टर में क्या होगा, लाइट जलेगा। ठीक है दोस्तों, ये तीनों फेज में अभी पावर नहीं है और आप देख भी सकते हैं कि इसमें से कोई कनेक्शन लूज है या कोई वायर टूट गया है, ये सब चीज़ देख सकते हैं आप। ये भी हॉट प्लेट का एक ट्रबल शूटिंग का पार्ट होता है। अगर को समटाइम्स ये वायर टूट जाता है, इसका इंसुलेशन निकल जाता है, तो ये भी देख सकते हैं कि आपका इसका टूट गया है या वायर केबल जो है इसका टूट गया है या नहीं है। तो अभी मेरा ये सही है केबल सब, मेरे मुझे लगता है मेरा हॉट प्लेट का ही प्रॉब्लम है। तो मैं आपको कनेक्शन डिसकनेक्ट करता हुआ अभी और इसको मल्टीमीटर से हम चेक करते हैं। चलो फ्रेंड, अभी हम देखते हैं, ये जो मैंने हॉट प्लेट बाहर निकाल के रख दिया है, अभी ये देखिए इसका जो तीन फेज होता है, ये आर एस और टी। अभी देखिए, हमें एक बेसिक इक्वेशन पता होना चाहिए, जो जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होता है। ठीक है, अगर आपका हॉट प्लेट का रेजिस्टेंस अच्छा है, अच्छा मिल रहा है, तो आपका हॉट प्लेट गर्म भी उतना अच्छा होगा। चले तो दोस्तों हम देखते हैं, अभी इसका रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए मेरा आर एस टी थ्री फेज है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसका रेजिस्टेंस चेक करता हूँ। हमें कोई भी एलिमेंट का, अगर नॉर्मली हॉट प्लेट का 30 से लेके 300 ओम तक रेजिस्टेंस मिलेगा तो ये हॉट प्लेट अच्छा है। ठीक है, अभी तीनों फेज में मैं रेजिस्टेंस मेजर करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसको मैं मल्टीमीटर को सेट करता हूँ रेजिस्टेंस मोड पे। मैंने मल्टीमीटर को सेट किया है रेजिस्टेंस मोड के। ये देखिए आप इधर सिंबल देख सकते हैं मेगा ओम। अभी देखिए दोस्तों, मैं फर्स्ट आपको आर और एस टी में चेक करता हूँ कोई मुझे रेजिस्टेंस मिलता है क्या। ये देखिए दोस्तों, मैंने आर और एस टी में एक प्रोब लगा रखा है आर और दूसरा प्रोब रखा है एस में, तो मुझे कोई रेजिस्टेंस मिल नहीं रहा है। अभी देखिए, मैं जो प्रोब है वो दूसरा फेज में रखता हूँ एस और टी में। ये देखिए दोस्तों, एस और टी में जैसा मैं रख रहा हूँ प्रोब, तो मुझे 104 रेजिस्टेंस मिल रहा है। इसका मतलब ये मेरा दो फेज ठीक है। अभी देखिए, मैं फर्स्ट और लास्ट में रखता हूँ, फर्स्ट और लास्ट में। ये देखिए दोस्तों, मुझे कोई रेजिस्टेंस मिल नहीं रहा है। इसका मतलब जो है मेरा ये हॉट प्लेट क्या हो गया है, डैमेज हो गया है, ख़राब हो गया है। ठीक है दोस्तों, ये मेरा ऑलरेडी ख़राब हॉट प्लेट बाहर निकाल दिया है। और जो अच्छा हॉट प्लेट है हमारा, वो भी उसका भी कैसा अच्छा है या सही है या नहीं है, उसको हम कैसे चेक करेंगे, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हॉट प्लेट में अभी नया आया है, तो ये हॉट प्लेट में इधर इंस्टॉल करेगा, तो इंस्टॉल करने से पहले मैं इसका आपको चेक करके दिखाता हूँ कि कैसा रेजिस्टेंस है देख मिलना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, इसका भी आर एस और टी तीन फेज है। तीन फेज में से मैं दो फेज में मेरा दो प्रोब रख देता हूँ, मुझे कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू मिलता है क्या, देखिए। ये देखिए दोस्तों, मुझे दो फेज में 109 ओम रेजिस्टेंस मिल रहा है। इसका मतलब ये दोनों फेज मेरा सही है। नेक्स्ट दोनों फेज में भी मुझे इतना ही वैल्यू मिलना चाहिए। चलो तो मैं अभी फेज का प्रोब चेंज करता हूँ। ये देखिए चेंज किया है, अभी देखते हैं हम इसको वैल्यू मिलता है या नहीं है। ये देखिए दोस्तों, एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रहा है मुझे 112। इसका मतलब जो फर्स्ट दो फेज में वैल्यू था 109 और 111, ये ऑलमोस्ट सेम है। तो इसका मतलब ये मेरा दोनों फेज, तीनों फेज सही है, ये हॉट प्लेट मेरा सही है। अभी देखिए, मैं फर्स्ट और लास्ट में मेजर करता हूँ तो मुझे इसका एडिशन मिलना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, 222, इसका मतलब ये देखिए,
ये देखिए कांस्टेंट वैल्यू मुझे मिलता है, थोड़ा कनेक्शन मेरे हाथ से प्रोब निसट रहा है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये देखिए ये मेरा दोनों फेज में वैल्यू सही मिला है, आर और एस टी में 109 मिला और एस और टी में 111 मिला। तो ये मेरा ऑलमोस्ट वैल्यू सही है, तो इसका मतलब होता है कि ये मेरा हॉट प्लेट सही है। और फर्स्ट और लास्ट फेज में मुझे 222 तक वैल्यू मिला है, तो ये भी मेरा हॉट प्लेट, इसका मतलब सही है, ये मेरा हॉट प्लेट डैमेज है। ठीक है दोस्तों, अभी हम क्या करेंगे, ये हॉट प्लेट को इंस्टॉल करके देखेंगे, फिर हम आपको देखते हैं कि जो पावर सप्लाई ऑन करेंगे और देखते हैं कि हॉट प्लेट गर्म हो रहा है या नहीं है। ये देखिए दोस्तों, मैं अभी नया हॉट प्लेट इसमें इंस्टॉल किया है, आप देख सकते हैं। अभी इसमें आप चेक करना चाहिए कि ये कनेक्शन बराबर टाइट है या नहीं है, पैनल से एकदम टाइट कनेक्शन होना चाहिए, कोई लूज कनेक्शन इसमें नहीं होना चाहिए, अगर लूज कनेक्शन होगा तो शॉर्ट सर्किट होने का बहुत डर है। ये देखिए इस पैनल से आप इसको पूरा कनेक्शन को क्या करना है, टाइट करना है, दोनों साइड टाइट करके देखना है इस पैनल से। देखिए पूरा कनेक्शन अभी टाइट किया है, इसमें आपको देखना है कि कोई ऑयल वगैरह गिरना नहीं चाहिए इसके ऊपर, तो हमें क्या होगा, इंसुलेशन इसका कम आएगा, इसलिए पूरा ऑयल वगैरह निकलना है, क्लीन करना है इसको। ठीक है, अभी इसको हम डाल देते हैं और डालने के बाद इसको टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, मैं ऑलरेडी इसका फ्यूज़ डाला है, अभी इसका मैं पावर स्विच ऑन करता हूँ और आउटपुट में हम क्या करेंगे, अभी पावर सप्लाई चेक करेंगे। ये देखिए पावर सप्लाई आपको लाइट दिख रहा है, इसमें भी है और इसमें भी है, 440 पावर होना चाहिए, मैं टेस्टर से ही चेक किया है। अभी हम देखते हैं कि हमारा हॉट प्लेट गर्म होता है या नहीं है। अराउंड 350 to 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आना चाहिए। चलिए तो दोस्तों देखिए, अभी ये जो हमारा हॉट प्लेट है 10 मिनट के बाद इसका बहुत अच्छा टेम्परेचर आया है, 441। दूसरा हॉट प्लेट का भी कंपेयर करते हैं, इसका भी 451, इसका भी अच्छा आया है, ऑलमोस्ट 400 तक आया है। इसका मतलब जो हमने जो हॉट प्लेट डाला है वो सही हॉट प्लेट है। इसका हमने रेजिस्टेंस भी चेक करके ऑलरेडी आपको मल्टीमीटर से मैं दिखाया है। चलिए तो दोस्तों, अभी जाते जाते मैं आपको हमारा गैली दिखाएगा। ये देखिए जहाज पे इधर खाना बनता है, ये जो होता है ये मेन कुकिंग पॉइंट होता है, इसको कुकिंग रेंज बोलते हैं, हॉट प्लेट। उधर भी एक फ्रिज है, इधर वॉश बेसिन है। ठीक है, और अगर फायर हो जाएगा हॉट प्लेट में वगैरह तो इसका गैली में सेफ्टी इक्विपमेंट भी होता है। ये देखिए 6 kg का CO2 का एक फायर एक्सटिंग्विशर है, अगर फायर हो जाएगा तो इलेक्ट्रिकल फायर में हमें इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये फायर ब्लैंकेट भी है, आप फायर ब्लैंकेट का भी अगर फायर हो जाएगा तो यूज़ करते हैं फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए। ये जो ऊपर ग्लव्स है दोस्तों, ये ग्लव्स हम हैं नॉर्मली चिप कुक यूज़ करता है कि जो हॉट जो हमारा सब्जी वगैरह होता है हॉट, इसको पकड़ने के लिए इसका ग्लव्स का यूज़ होता है। इधर पूरा लिखा होता है, रूल्स रेगुलेशन हाइजीन इंफॉर्मेशन है पूरा। इधर स्मोकिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं, वॉश हैंड बिफोर प्रिपेयर द कुक, मिनिमम सेफ्टी रिक्वायरमेंट, हेयर नेट, सॉफ्ट सेफ्टी फुटवेयर, ये सब चीज़ें होना चाहिए। चलिए तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो आपको कैसे लगा, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके दोस्तों में इसको, अभी तक मेरे आपका चैनल में आपको ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू।